टास्क फोर्स के गठन की जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने एनफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। केंद्र ने टास्क फोर्स को विधायी शक्तियां भी दी हैं, सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। एनफोर्समेंट टास्क फोर्स की अध्यक्षता एमएम कुट्टी सीएक्यूएम के चेयरपर्सन हैं और सीपीसीबी के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा, विभा धवन डीजी टेरी की हैं, एन के शुक्ला मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरपर्सन हैं, आशीष धवन सीएक्यू से जुड़े हैं और ये तमाम सदस्य हैं जो इस टास्क फोर्स समिति में शामिल हैं। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा दाखिल किया गया। केंद्र ने इस क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि आपको कल याद होगा देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाई थी और सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा था कि अगर आप कदम नहीं उठाते हैं आने वाले 24 घंटों में तो फिर हम सख्त कदम उठाने के लिए, असाधारण कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिन जिन मेंबर्स का मैं अभी जिक्र कर रही थी, जिनका नाम मैं आपको बता रही थी, ये जो लिस्ट भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसमें उन सदस्यों के नाम हैं जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और इस टास्क फोर्स को विधायी शक्तियां भी दी हैं। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। गौरव, आज 10 बजे सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का और केंद्र ने कदम उठाया है, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो सरकारें हैं वो बताएं कि वो क्या कर रही हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला जो है वो दे सकता है। और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन तो किया ही गया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए जाएंगे जो सीधा प्रदूषण के को नियमों को तोड़ने वाले जो काम हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। और अभी तक 17 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो सीधा एनफोर्समेंट टास्क को रिपोर्ट करेंगे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि दिल्ली में ट्रकों के एंट्री पर रोक जारी रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रकों को प्रवेश मिलेगा। साथ ही हलफनामे में यह भी जानकारी दिया गया है कि दिल्ली में स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़ी फटकार लगाई थी कि लगातार जो है वो दवा दी जा रही है लेकिन बुखार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो कोशिशें हो रही हैं वो सिर्फ कागजी दिख रही हैं और उसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा था, अब आज 10 बजे की सुनवाई पर नजर टिकी, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। गौरव।